नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल KDX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें। भाई, वीडियो में पूछ गए सवालों का जवाब आप जरूर दें, क्योंकि आप वीडियो में पूछ गए सवालों का जवाब देकर जीत सकते हैं 15,000 रुपये तक की राशि। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर वहीं दोस्तों सी वोटर सर्वे के अनुसार जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का दबदबा अभी दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, महबूबा मुफ्ती को अभी हार का मुंह देखना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, आप किस छतर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपको बताएंगे एक एक सीट के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वहीं दोस्तों, बात करें गुजरात जम्मू कश्मीर की सर्वप्रथम सीट उधमपुर की। उधमपुर में कुल 3 सीटें हैं, तो 3 में से 1 बीजेपी को और 2 कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही है दोस्तों। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट शोपिया की। शोपिया में कुल 2 सीटें हैं, तो 2 में से 1 कांग्रेस पार्टी को और 1 PDP पार्टी को बीजेपी को मिलता हुआ तगड़ा झटका। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट श्रीनगर की। श्रीनगर में दोस्तों कुल 8 सीटें हैं, तो 8 में से 3 बीजेपी को और 4 कांग्रेस पार्टी को PDP पार्टी को लगा तगड़ा बेहतरीन झटका। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट सांबा की। सांबा में कुल 2 सीटें हैं, तो 2 में से 1 INC पार्टी को और 1 PDP पार्टी को बीजेपी को 0 सीट और ASP को भी 0 सीट हासिल हुई है। वैसे तो रामबन की कुल 2 सीटों में बात करें, तो 2 में से 1 बीजेपी को और 1 PDP पार्टी को प्राप्त हुई है। कांग्रेस पार्टी को 0 और ASP पार्टी को भी 0 सीट हासिल हुई है सी वोटर सर्वे के अनुसार। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट रियासी की। रियासी में कुल 3 सीटें हैं, तो 3 में से 1 कांग्रेस पार्टी को, 1 PDP पार्टी को और 1 ASP पार्टी को सीट प्राप्त हुई है, बीजेपी को 0 सीट हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट पुलवामा की। पुलवामा में कुल 4 सीटें हैं, तो 4 में से 2 बीजेपी को, 1 INC पार्टी को और 1 ASP पार्टी को प्राप्त हुई है, PDP पार्टी को 0 सीट हासिल हुई है दोस्तों। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट राजौरी की। राजौरी में कुल 4 सीटें हैं, तो 4 में से 1 भारतीय जनता पार्टी को और 1 इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 1 ASP पार्टी को प्राप्त हुई है, और PDP पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है भाई और बहनों। बात करें पूंछ की कुल 3 सीटों पर, तो पूंछ में कुल 3 सीटें हैं, तो 3 में से 1 BJP को, 1 कांग्रेस को और 1 ASP पार्टी को प्राप्त हुई है और PDP को 0 सीट हासिल होती नजर आ रही है दोस्तों। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट लेह की। लेह में कुल 2 सीटें हैं, तो 2 में से 1 BJP को और 1 INC पार्टी को प्राप्त हुई, PDP और ASP का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है सी वोटर सर्वे के अनुसार। बात करें अगली सीट कुलगाम की। कुलगाम में कुल 4 सीटें हैं, तो 4 में से 1 BJP को, 2 INC पार्टी को, 1 PDP को और 0 ASP पार्टी को मिलती नजर आ रही है। हम आपको बताएंगे एक एक सीट के बारे में। बात करें अगली सीट कुपवाड़ा की। कुपवाड़ा में कुल 5 सीटें हैं, तो 5 में से 3 BJP को, 2 INC पार्टी को, PDP को 0 और ASP को भी 0 सीट हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, बात करें किश्तवाड़ा की, तो किश्तवाड़ा में कुल 2 सीटें हैं, तो दोनों को ही समांतर यानी कि कांग्रेस पार्टी को भी 1 और BJP पार्टी को भी 1 सीट नजर आ रही है, और भी PDP पार्टी को तगड़ा झटका मिलता हुआ कांग्रेस पार्टी के थ्रू। कारगी की कुल 2 सीटों पे बात करें, तो 2 में से 1 BJP को और 1 कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, महबूबा मुफ्ती की आपको बता दी कि अगली सीट कठुआ है। कठुआ की कुल 4 सीटों पे बात करें, तो 4 में से 1 BJP को, 3 कांग्रेस पार्टी को, PDP को 0 और ASP को 1 सीट हासिल होती नजर आ रही है दोस्तों। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट जम्मू की। जम्मू में कुल 11 सीटें हैं, तो 11 में से 2 BJP पार्टी को, 2 ASP पार्टी को और 2 PDP पार्टी को और कांग्रेस को बड़ा बहुमत 5 सीट हासिल होती नजर आ रही है दोस्तों। बात करें अगली सीट कांचमली की। कांचमली में कुल 2 सीटें हैं, तो 2 में से 1 BJP को, 1 कांग्रेस पार्टी को, PDP पार्टी को लगा तगड़ा झटका और ASP को भी तगड़ा झटका, 0 सीट हासिल होती नजर आ रही है दोस्तों। बात करें डोडा की कुल 2 सीटों पर, तो 2 में से 1 INC पार्टी को और 1 PDP पार्टी को हासिल हुई है, BJP को 0 और ASP को भी 0 सीट हासिल होती नजर आ रही है दोस्तों। भाई दोस्तों, जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव 2022 में PDP को हार का मुंह देखना पड़ेगा। बात करें बड़गांव की कुल 5 सीटों पर, तो 5 में से 1 BJP को, 2 INC पार्टी को, 1 PDP को और 1 ASP पार्टी को हासिल हुई है दोस्तों। वहीं दोस्तों, बात करें एक सीट कारामुल्ला की। कारामुल्ला में कुल 7 सीटें हैं, तो 7 में से 2 आम BJP पार्टी को, 1 2 1 2 ओके तो भाई